आज हम बनाएंगे पुलाव। इसके लिए मुझे 3 चम्मच ऑयल को लेना है और इसमें 1 चम्मच जीरा को ऐड करेंगे। उसके बाद से छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता को ऐड करेंगे। उसके बाद से इसमें हम काजू को ऐड करेंगे। उसके बाद से इसमें हम किशमिश को ऐड करेंगे, फिर गाजर को ऐड करेंगे और इसको हम सही से 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद से भूनने के बाद फिर इसमें हम चावल को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको भी हम तकरीबन 20 मिनट तक इसको हम भूनेंगे मीडियम आंच पर। उसके बाद से भूनने के बाद फिर इसमें हम हरा मटर को ऐड करूंगी और उसको भी 2 मिनट तक भूनूंगी। भूनने के बाद उसके बाद से इसमें हम पानी को ऐड करूंगी और तकरीबन इसको सही से चलाऊंगी। उसके बाद से इसको 20 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पर कुक करूंगी। उसके बाद से ये पुलाव रेडी है और अब हम इसे सर्व करेंगे।